हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी जा रहे हैं देवघर और ये देख सकते हैं हम लोग बहुत आदमी जा रहे हैं, एक टेम्पो लगभग 12-13 जन जा रहे हैं और कुछ काम से जा रहे हैं, आप लोग को बताएंगे बाद में। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं सरवा, ये सरवा है, मोड़ है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रेन ब्लॉक में आप लोग बने रहिएगा। और ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं देवघर और ये कोट है, कोट पे हैं यहाँ। नानी को पकड़ के लेके जा रहे हैं, चल नहीं पाती है, ये आप लोग देख सकते हैं पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं ऑफिस ग्राउंड के अंदर। तो नानी को बहुत प्यास लगी थी, तो ये देख सकते हैं इसके लिए एक गिलास सत्तू और पानी लेकर आए और इसको पिला रहे हैं। और बगल में एक मामी है और भाभी है। और तो ये देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेन वापस जा रहे हैं, काम हो गया तो घर वापस जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग से मिलेंगे घर जाने के बाद। तो ये रास्ता का व्यू है, आप लोग को दिखा रही हूँ कि हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, देखिए पहाड़ ही पहाड़ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, इसके नीचे से ही रोड गया हुआ है। तो ये आप लोग देखिए, तो बने रहिएगा। चलिए आप लोग से मिलती हूँ फिर। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज बहुत लेट से उठे हैं, कल गए थे देवघर नानी को लेके। तो सुबह 10 बजे के टाइम में गए थे, इधर शाम पूरा हो गया था, 6 बजे के करीब लौटे हैं। तो बहुत थके हुए थे, टेम्पू में गए थे ना, तो पूरा टेम्पू में उछल उछल जानबे करते टेम्पू में किस तरह रास्ता रोड खराब था। तो आके सो गए और अभी लेट से उठ रहे हैं, 7 बजे उठे हैं क्योंकि शरीर से बहुत दर्द दे रहा है एकदम। रास्ता खराब होने के बाद गाड़ी हो चाहे बाइक उछलता है ना गाड़ी, तो बहुत थकावट लग रहा है। तो अभी उठ के आते हुए सब्जी लेके आए थे रास्ता में, हटिया लगा हुआ था तो वहीं से सब्जी लेके आए थे, कद्दू वगैरह और ये पालम साग। तो ये हम पालम साग का भुंजिया बनाएंगे और नानी भी लगी हुई है, वो भी चावल चढ़ा दी है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आज थोड़ा सा घर साफ करेंगे क्योंकि बहुत दिन से गंदा हो रखा है और नानी तो काम नहीं कर पाती है। तो जाने से पहले थोड़ा घर को सब सफाई करके जाऊंगी क्योंकि जब भी हम आते हैं तो वही सब करना पड़ता है, आते हैं तो घर सफाई करके जाते हैं क्योंकि 8-10 दिन 15 दिन में ही आना जाना लगा रहता है, अकेले रहती है और काम करने वाला कोई नहीं होता है, तो इसलिए दोनों जगह हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, वहाँ भी अपना घर यहाँ भी देखना पड़ता है। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए, तो घर फटाफट साफ कर लेते हैं और आप लोग से मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये घर हमेशा बंद रहता है, लेकिन ये देखिए इतना गर्दा, ये देखिए नानी चल नहीं पाती है ना, तो काम नहीं कर पाती है और चलती है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत धीरे धीरे। और ये देखिए कितना गर्दा,
हाय फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 11 और हम घर का सब सफाई थोड़ा कर रहे थे। गांव में शादी है एक भतीजी की, तो मेहमान वगैरह आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा घर सब सफाई कर लिए और कंप्लीट हो गया। अभी हाथ मुँह धो के जस्ट बैठे हुए नानी और हम। और ये देखिए नानी क्या चढ़ा रही है, ये है झींगा, झींगा का ब्रश बना रही है। वो देखिए साबुन उसमें लगा थी और शरीर में रगड़ने से मेन गंदगी सब साफ हो जाती है, इसलिए वो छोड़ा रही है ब्रश। हम दोनों बैठे हुए हैं और अभी जाएंगे नहाने के लिए, तालाब में नहाएंगे आज। अभी बहुत ज़्यादा धूप है और धूप का टाइम में तालाब में नहाने में बहुत मज़ा आता है, तो जाके वहीं पर नहाएंगे। तो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल में नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग से मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।